हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम अपने ट्विन क्राफ्ट ऐप में बैकग्राउंड को कैसे ऐड करें। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपना ऐप ओपन कर लिया है और उसके बाद हम साइड में देखेंगे जो कि आइटम्स का ऑप्शन दे रखा है। इस पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो है हमारा बैकग्राउंड का। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बैकग्राउंड को कैसे ऐड करते हैं, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना दूँ। तो बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद गाइज हम यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे बैकग्राउंड के ऑप्शन हमारे सामने आ गए हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे और भी सारे दे रखे हैं और इनमें से हम कुछ देखेंगे कि कुछ ऐड के हैं और कुछ कॉइन से हैं। मतलब कि इनमें से आप ऐड को भी देख सकते हो और कॉइन भी देकर भी इन्हें ओपन कर सकते हो। पर यहाँ पे कुछ ऐसे बैकग्राउंड भी हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कॉइन से ही ओपन होंगे। और कॉइन कैसे बाय करते हैं ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे बैकग्राउंड हैं हमारे, और आप अपना बैकग्राउंड खुद का भी लगा सकते हो। उसके लिए आपको इमेज ऐड करना पड़ेगा और इमेज के लिए आपको कॉइन बाय करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए गाइस, मैं यहाँ पे ये जो नीचे दे रखा है सिंपल लूम, ये वाला बैकग्राउंड ले लेती हूँ। इसके लिए यहाँ पे हम दो ऐड को वॉच करेंगे और यहाँ पे आप दो कॉइन भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम ऐड ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मेरा बैकग्राउंड ओपन होकर आ गया है। तो बैकग्राउंड मेरा यहाँ पे ओपन होकर आ गया है गाइस। इसको आप जूम भी कर सकते हो, जिस भी तरीके से आप करना चाहो अपनी वीडियो में, ऊपर की तरफ भी जूम कर सकते हो और आप वापस से नॉर्मल भी कर सकते हो यहाँ पे आप अपने बैकग्राउंड को। और इसके बाद चलिए यहाँ पे हम एक कैरेक्टर भी लेके दिखा देते हैं आपको बैकग्राउंड में। तो कैरेक्टर वाले ऑप्शन से यहाँ पर हम कोई भी एक कैरेक्टर ले लेंगे। तो यहाँ पर जो एक नीचे दे रखी है गर्ल, मैं इस वाला कैरेक्टर ले रही हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मेरा कैरेक्टर आ गया है और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को लगाकर कोई भी कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं एंड देन नेक्स्ट फ्रेम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैं आपको और भी बैकग्राउंड दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे बैकग्राउंड के ऑप्शन दे रखे हैं, आप जिस भी बैकग्राउंड को चूज़ करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और ये दे रखा है कैफ़े का, तो चलिए इसको भी ओपन करके दिखाते हैं। पहले ऐड वॉच करते हैं इसका। तो ऐड मैंने वॉच कर लिया था। तो अब बैकग्राउंड में आप यहाँ भी कैरेक्टर को सेट करना चाहें, बिठाना चाहें, वो आप कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। तो इसी तरीके से आप कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं और ख़ुद का बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इमेज ऐड करनी पड़ेगी और इमेज के लिए आपको कॉइन्स को बाय करना पड़ेगा अगर आप अपना खुद का बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो। पर गाइज यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे बैकग्राउंड दे रखे हैं, तो आप चाहें तो इनमें से ही लगा सकते हैं बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। जिस भी हिसाब से आपकी वीडियो है उसी तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को लगा सकते हैं। तो खुद का हम बैकग्राउंड कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे हमें नीचे ऑप्शन दे रखा है फ़ोटो एंड GIF का। तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि मतलब आपको यहाँ पे परचेज कॉइन करने होंगे। क्योंकि मेरे पास कॉइन नहीं है तो मैं अभी ऐड नहीं कर सकती इसको, आप कॉइन। तो यही था गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।